नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और साथियों, मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमें तीसरी काली से स्वरों को पहचानने का तरीका बताइए कि तीसरी काली से हम स्वरों को 12 स्वरों को कैसे पहचानें। तो साथियों, यदि आपने पहली काली से स्वर पहचान लिए हैं तो आप तीसरी काली से भी पहचानना बहुत आसान है। चलिए मैं तीसरी काली के स्वर आपको फटाफट इस छोटे से वीडियो में आपको बता देता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप अगर नए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही जरूरी होगा देखना। तो देखिए, जैसे पहली काली से हम एक छोड़ करके रे आता है, एक छोड़ करके गा आता है, इसी तरीके से यहाँ से भी है। तो देखिए क्या सुर है, पहले आपको शुद्ध सुरों के बारे में बता देता हूँ। सा सा रे गा मा, चार सुर तुम्हारे ही हो गए। पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हमारे शुद्ध सुर हैं, एक सा रे गा और ये मा, यानी तीन काली और एक ये वाला हमारा मा। उसके बाद ये पा, ये धा, ये नी और ये तार सप्तक का सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब साथियों, सात सुर तो हमारे ये हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं कोमल सुरों की, कि कोमल सुर इसमें कौन से हैं। एक बार और देख लीजिए। चलिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, एक मा और एक नी, ये दो सफेद सुर जो हैं हमारे, ये जो हैं नीचे वाले, एक नीचे माँ हैं और ये नी है, और बाकी के ऊपर के सुर जो हैं ये सा रे गा और ये पा और ये धा और ये सा तार सप्तक का। ठीक है, अब कोमल सुरों की बात करते हैं। देखिए, ये हमारा सा है और ये हमारा रे है, तो ये जो बीच वाला सुर है ये कोमल रे है, ये वाला। इसके आगे साथियों ये हमारा गा है शुद्ध वाला, और इसका जो बीच का सुर है ये हमारा कोमल का है। ठीक है साथियों, ये हमारा शुद्ध माँ है, शुद्ध माँ के बराबर का जो सुर है ये हमारा तीव्र माँ हो गया। ठीक है, ये हमारा धा है शुद्ध, और धा का जो बीच का सुर है ये हमारा कोमल धा है। ठीक है, ये हमारी शुद्ध नी है, इस नी के बराबर का जो सुर है ये हमारी कोमल नी हो गई। तो साथियों, इसके हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो चारों के जो चार सुर जो हमारे शुद्ध कोमल हैं और एक मात्र तीव्र है, वो सब पांचों के पांचों सुर नीचे आ जाते हैं। कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा और कोमल नी, बस ये सुर हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और ये तार सप्तक का सा आ गया। तो सुरों को पहचानना बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए साथियों, सुरों को पहचानने का ये आसान तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।